नमस्कार, स्वागत है आपका सुर्खियों से परे में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 16 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती, जोरों पर है तैयारियां। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में बनाया जा रहा है 125 किलो के चांदी का सिंहासन, जयपुर के कारीगरों की टीम बना रही है सिंहासन। मध्य प्रदेश सरकार के तीर्थ दर्शन योजना में 3 और तीर्थों को किया गया है शामिल, राम जन्मभूमि काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे यात्री। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब साधु संतों को नहीं देना होगा प्रवेश शुल्क, अखाड़े की आईडी दिखाकर ही मिलेगा प्रवेश। सबसे पहले बात हनुमान जयंती की। देश के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए यहां तैयारियां तेज कर दी गई है। बाहर से आए कारीगर मंदिर परिसर को भव्य रूप देने में लगे हुए हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी अब फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को अब दर्शन और आशीर्वाद दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में भगवान को शीतलता देने के लिए फूल बंगले का आयोजन किया जाता है। ये सिलसिला अब हरियाली अमावस्या तक ऐसे ही चलता रहेगा। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 125 किलो चांदी का सिंहासन लगाया जा रहा है। भक्तों द्वारा दान की गई चांदी, भगवान को आए हुए छत्र और पुराने सिंहासन से निकली चांदी से यहां नया सिंहासन तैयार किया जा रहा है। जयपुर से आए कारीगरों की टीम इसे मंदिर में लगाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के मैप में 3 नए तीर्थस्थल को शामिल किया गया है। इनमें से बनारस के काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या का राम जन्मभूमि स्थान और राजस्थान के दौसा जिले के मंडावरे को शामिल किया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब साधु संतों के प्रवेश पर लगने वाले शुल्क को हटा लिया गया है। साधु संतों को अब बस उनके अखाड़े का आईडी कार्ड देखकर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर में ये व्यवस्था बीते मंगलवार से तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। खजुराहो के पर्यटन व्यवसायियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद यहां विदेशी सैलानियों का आना शुरू हो गया है। भारत सरकार द्वारा 5 लाख विदेशियों को फ्री वीजा देने की घोषणा के बाद खजुराहो का पर्यटन व्यवसाय फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है। कोरोना पाबंदियों में छूट मिलने के बाद इस साल नवरात्र में शक्तिपीठ ज्वालामुखी में न केवल श्रद्धा का सैलाब उमड़ा, बल्कि श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर माता के खजाने में दान भी किया है। 2 साल बाद यहां चैत्र नवरात्र के दौरान 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इतना ही नहीं, माता के खजाने में दान की गई राशि भी पिछले 5 सालों में सबसे अधिक दर्ज की गई है। पंजाब के अमृतसर से 6 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। इसके लिए 705 श्रद्धालुओं को ही वीजा दिया गया है। ये सभी श्रद्धालु अलग अलग गुरुद्वारों में दर्शन करने के बाद 21 अप्रैल को वापस लौट आएंगे। विदिशा का 1000 साल पुराना विजय मंदिर आज भले ही स्मारक में तब्दील हो गया हो, लेकिन ये स्थापत्य कला से लेकर भव्यता तक में बेजोड़ था। यही वजह है कि अयोध्या के राम मंदिर से लेकर दिल्ली में बन रही नए सेंट्रल विस्टा में भी इसकी झलक दिखाई देती है। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार। Thank you.